बिहेवियर मार्केटिंग में हम देख रहे थे स्टेट डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम हमें बनाने में। स्टेट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इवेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। इवेंट्स क्या होता है, जब भी कोई इंटरेक्शन होता है, यूजर जो होता है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है, तो जो कोई इवेंट क्रिएट हो रहा होता है, परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसके बाद हमने स्टेट डायग्राम करने हैं। अब इवेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इवेंट क्या होता है, जब एक्टर्स सिस्टम से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक्टर्स अब एन इवेंट इज नॉट द इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सचेंज बट दैट अच्छा जो इंफॉर्मेशन अगर एक एक्टर एक यूजर या कोई भी सिस्टम आपके सिस्टम से कोई इंटरेक्शन कर रहा है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। अब जो ये फिनोमिना है इसको हम इवेंट कहते हैं, जो इवेंट अकर हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उस इंफॉर्मेशन को हम इवेंट नहीं कहते, बल्कि जो आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने का सारा फिनोमिना अकर हो रहा है इसको हम इवेंट कह रहे हैं। सम इवेंट हैज एन एक्सप्लिसिट इंपैक्ट ऑन द फ्लो ऑफ कंट्रोल व्हाइल अदर्स डू नॉट। एक्सप्लिसिट यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कुछ इवेंट्स जो होते हैं उनका आपके डायरेक्ट इंपैक्ट होता है सिस्टम पे और कुछ इवेंट्स का नहीं होता। डायरेक्ट इंपैक्ट का क्या मतलब है, लाइक एन एग्जांपल इज अ रीडिंग ऑफ अ डेटा आइटम्स फ्रॉम द यूजर वर्सेस कंपेयरिंग द डेटा आइटम्स टू सम पॉसिबल वैल्यूज। इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, एक्सप्लिसिट इवेंट कौन से होंगे, जैसे आपका यूजर कोई कुछ परफॉर्म होता है, कोई आप यूजर आया है सिस्टम में, यूजर ने आपके सिस्टम के साथ में पासवर्ड एंटर किया, यूजर ने अब पासवर्ड एंटर जो हुआ है तो ये एक एक्सप्लिसिट इवेंट है। कुछ इम्प्लिसिट का क्या मतलब है, जब कंपेयरिंग हो रही है, एग्जांपल ऑफ द रीडिंग ऑफ द डेटा आइटम्स, जैसे एक सिस्टम में यूजर नेम आईडी और पासवर्ड एंटर करता है तो ये एक एक्सप्लिसिट इवेंट है, और जब वो पासवर्ड को बैकग्राउंड में सिस्टम के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो वो एक इम्प्लिसिट इवेंट है। ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में ये डिफरेंस। अच्छा अब दो पॉइंट थे, फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर मॉडल क्रिएट करने के लिए इवेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद हम स्टेट डायग्राम बना रहे हैं। इवेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, यहाँ पे हमने बात की इवेंट्स होते क्या हैं, और इवेंट्स जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसको नहीं कहते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उस सारे फिनोमेना को हम इवेंट कहते हैं। कोई इवेंट अगर हुआ है, जैसे कि आपने प्रोसेसिंग के लिए डाटा एंटर किया, यूजर नेम पासवर्ड, तो उस वक्त एक इवेंट अगर हुआ है। कुछ एक्सप्लिसिट इवेंट होते हैं, कुछ इम्प्लिसिट इवेंट होते हैं। आगे चलिए हम इनकी और भी गेम देखते हैं। स्टेट डायग्राम कैसे बनेगी, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए राउंडेड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल मतलब एक रेक्टेंगल ये होती है जिसके कॉर्नर्स होते हैं, और राउंडेड के उसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया जाएगा। राउंडेड रेक्टेंगल ए ट्रांजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेबल्ड एरो। अच्छा दो राउंडेड रेक्टेंगल्स हैं तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन जो है वो शो की जाएगी एरो से, एरो जो होगा वो लेबल होगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी डायग्राम है, उससे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें और ज्यादा। The active state of an object indicates the current overall status of the object that is. अच्छा यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक्टिव स्टेट और पैसिव स्टेट। एक्टिव स्टेट किसको कहते हैं, करंटली कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है उसे एक्टिव स्टेट कहते हैं, और बाकी सारी स्टेट जिनमें वो हो सकता है उसको पैसिव स्टेट कहते हैं। ये चीजें मैं आपको आगे डायग्राम से क्लियर करती हूँ। अच्छा इवेंट्स अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा कि बिहेवियर मॉडल एक स्टेट कैसे बनाना है, कि हमने पहले इवेंट आइडेंटिफाई करने हैं और फिर स्टेट डायग्राम बनानी है। इवेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, यूज केसेस एग्जामिन फॉर द पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। हमेशा हम वो प्रोसेसिंग नैरेटिव ग्रामेटिकल पार्सिंग जिसमें सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम यूज केस का टेक्स्ट यूज करते आ रहे हैं इस सारी चीजों के लिए। अब जो हमारे पास टेक्स्चुअल डिस्क्रिप्शन होगी हम वो डिस्क्रिप्शन देखेंगे वहां से, यहाँ पे हम कोई ग्रामेटिकल पार्सिंग वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ हम उसी टेक्स्ट के अंदर से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। लाइक द होम ओनर यूजेस द कीपैड टू की इन अ 4-डिजिट पासवर्ड। यहाँ पे होम ओनर ने कीपैड को यूज किया है पासवर्ड डालने के लिए, तो कुछ इवेंट अकर हुआ है। द पासवर्ड इज कम्पेयर्ड विद द वैलिड पासवर्ड स्टोर्ड इन द सिस्टम। पासवर्ड जो है आपने एंटर कर दिया, आप पासवर्ड को कंपेयर किया जा रहा है बैकग्राउंड के साथ। अब ये जो बैकग्राउंड के साथ बैकग्राउंड में आपकी डेटाबेस है सिस्टम के साथ कंपेयर किया जा रहा है, वो आपका एक और इवेंट अकर हुआ है। इफ द पासवर्ड इज इनकरेक्ट द कंट्रोल पैनल विल बीप।
अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो वो बीप करेगा, बीप टैप करेगा ताकि यूजर को पता चल जाए कि मेरा पासवर्ड ठीक नहीं है, वो दोबारा से एंटर कर देगा, तो ये एक और इवेंट अटैक हुआ है। अगर वो करेक्ट है तो वो सिस्टम को फर्दर एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो इस तरह यहाँ से हम इवेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है स्टेट डायग्राम की, ये देखें। अच्छा यहाँ पे स्टेट डायग्राम फॉर द कंट्रोल पैनल क्लास। अब हम क्लासेस से एक क्लास क्लास डायग्राम हम बना चुके हैं, उनमें से एक क्लास के लिए हम स्टेट डायग्राम बना रहे हैं। स्टेट डायग्राम पूरे सिस्टम के लिए भी बनाई जा सकती है, सेपरेट सेपरेट क्लासेस कुछ क्लासेस के लिए बनाई जा सकती है, होल सिस्टम के लिए भी हो सकता है। अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल एक क्लास थी जो लास्ट लेक्चर में क्लासेस मॉडलिंग में हमने कुछ नाउंस निकाल के उनको उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक की बेस पे डिसाइड कर लिया था ये क्लासेस हैं। वो जो क्लासेस हमारे क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर रही थी, उन नाउंस में से एक नाउन जे भी था कंट्रोल पैनल, जो कि हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा था। अब कंट्रोल पैनल क्लास की हमने स्टेट डायग्राम बनाई है। स्टेट डायग्राम में अब ये इन डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है कंट्रोल पैनल, रीडिंग स्टेट में हो सकता है कंट्रोल पैनल जो आपका डिस्प्ले है वो रीडिंग स्टेट में हो सकता है, कंपेयरिंग स्टेट में हो सकता है, लॉक्ड हो सकता है, या सिलेक्टिंग स्टेट में हो सकता है। कैसे? लाइक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, एक यूजर फॉर एग्जाम्पल आया है, कोई भी होम ओनर की हम सेफ्टी सेफ होम की एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो आप प्रेसमैन की बुक में से सेफ होम की एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो उसमें से लाइक एक होम ओनर आता है, होम ओनर ने कोई आईडी पासवर्ड एंटर किया है, पासवर्ड ये रीडिंग स्टेट में है इस वक्त, वो पासवर्ड को रीड करता है, पासवर्ड एंटर को रीड करके वो कंपेयर करता है डाटाबेस के साथ। डाटाबेस के साथ कंपेयर करने के बाद क्या होगा, तीन डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं। हो सकता है कि वो पासवर्ड इनकरेक्ट हो तो वो वापस रीडिंग स्टेट में चले जाएगा, देन दोबारा पासवर्ड एंटर होगा वो चेक करेगा, अगर इनकरेक्ट है तो दोबारा रीडिंग स्टेट में चले जाएगा। ये आपने सिस्टम में सेट किया होगा कि तीन गलत एंट्रीज आप अलाउ करते हैं या फाइव गलत एंट्रीज अलाउ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइज आपने जो एंटर की होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने थ्री एंटर की होगी, जब वो तीन दफा थर्ड टाइम गलत एंटर कर लिया, फोर्थ टाइम उसने दोबारा पासवर्ड एंटर किया है, तो वो करेगा नंबर ऑफ ट्राइज ग्रेटर देन मैक्सिमम ट्राइज, बड़ी हो गई है तो वो लॉक स्टेट में चला जाएगा। अब वो यूजर को उसे लगेगा कि कोई कोई और पर्सन अननोन पर्सन ये कोई लाइक कोई चोर एंटर हो रहा है, कोई अननोन बंदा आपके सिस्टम में को वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में वो क्या करेगा, लॉक कर देगा सिस्टम को, और लॉक स्टेट में टाइमर लेस देन इक्वल टू लॉक टाइम, आपके सिस्टम में कोई भी टाइम भी सेव किया होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपके मोबाइल पे आता है तो आप गल ट्राई करते रहे तो वो 20 मिनट्स के लिए बंद हो गया, 10 मिनट्स के लिए आपका सिस्टम जो हो गया लॉक हो गया है। अगर 10 मिनट्स से 20 मिनट्स के लिए आपका सिस्टम लॉक हो गया है तो वो 10, 20 या 30 मिनट जितने भी आपने टाइम रखा हुआ सेट किया हुआ है वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है वो टाइम, तो फिर दोबारा वो रीडिंग स्टेट में चला जाएगा कि आफ्टर हाफ आवर वो दोबारा से आप पासवर्ड ले लेगा, आपसे मांगेगा। अब पासवर्ड अगर इन केस करेक्ट हो जाता है तो करेक्ट में वो आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा, उन ऑप्शन में से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी डायग्राम देखिए जिसमें आपको कंट्रोल पैनल क्लास की एक डिफरेंट स्टेट्स में दिखाया गया कौन कौन से डिफरेंट स्टेट में हो सकता है, रीडिंग स्टेट में भी हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट करंट टाइम पे। अब कंट्रोल पैनल क्लास का अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो करंट टाइम में रीडिंग एक टाइम में रीडिंग स्टेट में भी हो सकता है, कंपेयरिंग में हो सकता है, लॉक में हो सकता है, सेटिंग में हो सकता है। अगर वो कंपेयरिंग स्टेट में है तो इस टाइम पे ये पैसिव स्टेट है, ये एक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्ट करंटली जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होगा वो एक्टिव स्टेट होगी, बाकी सारी उसकी पैसिव स्टेट। जहां तक हो गया सीक्वेंस डायग्राम पार्शियल फॉर द सेफ होम सिक्योरिटी, अच्छा यहाँ पे हमने पार्शियल लिखा हुआ है, वर्ड पूरे सिस्टम के लिए भी बनाई जा सकती है, सेपरेट सेपरेट भी बनाई जा सकती है। अब हम यहाँ पे क्या चीज आपको स्टेट डायग्राम, एक तो मैं हर लेक्चर में ये चीज पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हम जहाँ एलेबोरेशन स्टेज में यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लेवल में देखते हैं, इनको डिटेल लेवल में हम फिर नेक्स्ट डिजाइन फेज में देखते हैं। सीक्वेंस डायग्राम में क्या हो रहा है, बेसिकली वही जो स्टेट्स आपकी स्टेट डायग्राम में थी, रीडिंग कंपेयरिंग ये जो इवेंट अंदर होता है वो
पासवर्ड चेक होता है, कंपेयर करता है और लॉक या सेटिंग प्रिंसिपल स्टेट में आ जाता है, तो हम किसी को दिखा रहे हैं कि ये जो किन सीक्वेंस में काम हो रहा होता है। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ऊपर आपके एक्टर, ये आपकी क्लासेस है, सॉरी क्लासेस, ये वो नाउंस हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे सेटिस्फाई हो गए थे और उनको हमने क्लासेस बना दिया था। होम ओनर एक क्लास है, कंट्रोल पैनल क्लास है, सिस्टम क्लास है, सेंसर क्लास है। अब ये सारे स्टेट डायग्राम में हम ये तो नहीं दिखा रहे थे कि ये डिफरेंट स्टेट्स में और किन किन क्लासेस से कम्युनिकेट करता है, तो ये हमारा सीक्वेंस डायग्राम और बाकी जिन क्लासेस के साथ कंपेयर कर रहा होता है वो भी दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वो रीडिंग स्टेट में है, पासवर्ड एक होम ओनर है, होम ओनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसने पासवर्ड एंटर किया रीडिंग स्टेट में, उसके बाद वो कंपेयरिंग में चला गया। कंपेयरिंग में जब पासवर्ड को कंपेयर किया जाता है तो कंट्रोल पैनल खुद से कंपेयर नहीं कर सकता, उसे कंपेयर करने के लिए सिस्टम क्लास की जरूरत होती है, जिससे सिस्टम क्लास में हमारा डेटाबेस सेव है जिसमें उसका पासवर्ड ओनर का सेव हुआ हुआ है। अब यहाँ से वो उसकी जरूरत है, वो यहाँ से पासवर्ड कंपेयर करेगा और फिर वापस आके वो करेक्ट है तो आगे चला जाएगा, अगर करेक्ट नहीं है तो वो लॉक कर देगा सिस्टम को, मैसेज नंबर ऑफ ट्राइज उसने अगर कर दिया है। तो अगर वो पासवर्ड करेक्ट हो गया है, तो अगर उसकी वेरिफिकेशन हो गई है, तो रिक्वेस्ट एक्टिवेशन, फिर वो सेंसर के सेंसर क्लास के साथ कम्युनिकेट कर सकता है कोई भी एक्टिवेशन करने के लिए या डीएक्टिवेट सेंसर को करने के लिए उनसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो स्टेट डायग्राम में हम सेम उसी चीज की स्टेट डायग्राम दिखा रहे हैं कि स्टेट डायग्राम में ये स्टेट डायग्राम थी, इसकी हमें सीक्वेंस डायग्राम में बताया कि एक सिस्टम जब डिफरेंट स्टेट्स में और बाकी क्लासेस जिनके साथ उसका लिंक होता है वो एक काम परफॉर्म करने के लिए किस सीक्वेंस में काम हो रहा होता है और उस सीक्वेंस में वो और किन किन क्लासेस से कम्युनिकेट कर रहा होता है, ये दिखाया गया था। अच्छा, हमारी अभी तक हमने कितना देखा है, हमने देखा ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं। सिस्टमैटिक वे में करने का मतलब ये है कि हम 7 डिफरेंट स्टेजेस में एक सिस्टम को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। 7 डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन थी, इंसेप्शन, रजिस्ट्रेशन, एलैबोरेशन, नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। हमने इंसेप्शन देखी, इंसेप्शन का क्या मतलब था, 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए और समझने के लिए होता है। सेकंड स्टेप ऑफ क्वेश्चन हम उसको प्रोसेस को, फर्स्ट में हमने आइडेंटिफाई करने हैं स्टेक होल्डर्स, एक्चुअल हम किन बंदों से जाकर सवाल करेंगे। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, हम उसमें पूछते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रोसेसेस जो चल रहे हैं, आप अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं। अब सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है कि हम जो सिस्टम से हम उनके प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंसेप्शन की स्टेज पे हम उन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसका काम कैसे हो रहा है। लाइक अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की इंडस्ट्री है, वो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सीजर, कैंची बनाने का प्रोसेस है, सीजर बनाने का प्रोसेस कैसे हो रहा है, हमने उन प्रोसेस को समझा है, हम एक नॉर्मल प्रोसेस कैसे हो रहा होता है उसको अंडरस्टैंड करके उसी को कंप्यूटराइज कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप ऑफ क्वेश्चन हमें उनके प्रोसेस को समझने के लिए करते हैं। थर्ड स्टेप ऑफ क्वेश्चन में हम फाइनल पूछते हैं कि हमने जो चीजें पूछनी थी हमने पूछी है, क्या आप सोर्स कोड से ऐड करना चाहते हो, तो फाइनल वो एक तरह की समझी हो रही होती है। सेकेंड फेज क्या थी, एलिसिटेशन। एलिसिटेशन में क्या होता है, जैसे उसका नाम का मतलब है कि बुलवाना, हमने एक्चुअल यूजर से बुलवाना है कि रिक्वायरमेंट कौन सी है। इसमें मैंने आपको डिफरेंट वेज बताए, जैसे एथनोग्राफी की हमने बात की थी बहुत दफा के रिक्वायरमेंट को एग्जैक्टली हमने, समटाइम्स यूजर हमें नहीं बता पा रहा होता है क्या चाह रहा है, तो हमने बुलवाना है कि वो एक्चुअल उसके माइंड में क्या है। उसमें हमने दो टेक्निक्स देखी थी, कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की और क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट। अब क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि उसमें हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कोलैबोरेटिव का मतलब ये है कि सारे कोलैबोरेशन में रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, सब लोग एट टाइम बैठे होंगे, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे और वो सारे इशू का फायदा हो जाएगा। और क्वालिटी फंक्शन में क्या मतलब है, हम क्वालिटी फंक्शन में क्या करते हैं, क्वालिटी फंक्शन में हम उनको क्या कर सकते हैं,
हम क्वांटिटेटिव वे में, जैसे एक पॉइंट मैं कहती हूँ ये हम मार्कल बनाना है, हमारा मार्कल बाकी से बेटर होना चाहिए। अब मार्कल अच्छा होने की हम क्या, मैं कहती हूँ इसमें क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, मैं कहती हूँ इसका वेट कम होना चाहिए, वेट लाइटर वेट होना चाहिए। लाइटर वेट एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट को हमने क्वांटिफाई करना है। लाइटर वेट मतलब कितने ग्राम, कितना कितना वेट होना चाहिए एग्जैक्टली, मुझे वो चीज उस एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन के फॉर्म में बतानी है, तो देन हम उसको कर सकते हैं। कुलियन उसके बाद हमने देखा एलेबोरेशन, जो थर्ड स्टेज में थे हम, ये हमारी एलेबोरेशन, हम उन वो रिक्वायरमेंट जो रजिस्ट्रेशन में हमने गेट किए हैं, हम उनको एलेबोरेट एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स बनाई, जिनमें मैंने एनालिसिस मॉडलिंग में आपको फोर टाइप की मॉडलिंग करवाई, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, क्लास बेस्ड मॉडलिंग एंड बिहेवियर मॉडलिंग जो हमने आज देखा। नेक्स्ट हमारा क्या है, फेज निगोशिएशन। निगोशिएशन क्या होती है, हमने ये देखना है निगोशिएशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिकंसाइल द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड व्हाट कैन बी अचीव्ड गिवन लिमिटेड बिजनेस रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि आप क्लाइंट के साथ बैठते हो और रिकंसाइल, मतलब आप करने की कोशिश करते हो व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड व्हाट कैन बी अचीव्ड गिवन लिमिटेड बिजनेस रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट आपको कहता है कि वो 20 लाख पे कर सकता है और वो चाह रहा है कि प्रोडक्शन का सिस्टम भी हो, फाइनेंस का सिस्टम भी ऑटोमेट हो, मींस वो पूरा ईआरपी सिस्टम चाह रहा है और वो कह रहा है 20 लाख को पे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे निगोशिएशन इस फेज पे आपने डिसाइड करना है, बैठना है और आपने क्लाइंट को क्लियर करना है कि ये इतने रिसोर्सेज में रहते हुए हम इतना काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होनी है। सेकेंड क्या रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं बाय द कस्टमर यूजर, रिक्वायरमेंट्स आपने कहाँ से ली, कस्टमर से, यूजर से, अदर स्टेक होल्डर, मतलब आपके सिस्टम से जिन भी लोगों ने कम्युनिकेट करना है, आप उन लोगों से रिक्वायरमेंट्स ले लेते हो, जितने भी लोग आपके सिस्टम से लिंक होते हैं, सब स्टेक होल्डर से आप रिक्वायरमेंट ले लेते हो। आपने उन रिक्वायरमेंट को प्रियोरिटाइज कर लेना है निगोशिएशन के स्टेज पे। रिस्क एसोसिएटेड विद ईच रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई एंड एनालाइज, हर रिक्वायरमेंट के साथ जो जो रिस्क एसोसिएटेड, रिस्क लाइक मैं आपको अगर एग्जाम्पल देती हूँ, एक गाड़ी बना रहे हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कोई भी रिक्वायरमेंट। अब उसके ऊपर कुछ और आपके लिंक होते हैं, लाइक आपके उसकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की एमिशन कितनी होती है, बहुत सारा उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, जितनी हम उतनी ही रख सकते हैं। मीन्स कुछ गवर्नमेंट लॉज होते हैं जो इम्प्लीमेंट होने होते हैं, कुछ पॉलिटिकल जो भी आपके सामने, बहुत सारी आपने अपने, जैसे एक सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हैं और उसपे एक ट्रांसेक्शन पे आपका इतना चार्ज, आपको गवर्नमेंट इतना, हर ट्रांसेक्शन पे इतना चार्ज करेगी, तो वो कुछ इस टाइप के टैक्स की स्टेटमेंट होती है जो कि हमें अपने माइंड में रखना होती है। हम हर रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करते हुए उसके साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पे हम वो आइडेंटिफाई कर देते हैं स्टेज पे और एनालाइज करते हैं। Rough basis of development efforts are made and used to assess the impact of each requirement on project cost and delivery. हर रिक्वायरमेंट के लिए हम बेसिस बनाते हैं कि एक जैसे R1 R2 रिक्वायरमेंट तो हमारे पास आ गई है, अब वो रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। R1 करने के लिए आपने कितना टाइम लिया, R2 इंप्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट आपकी लगेगी, यहाँ पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं। किसी भी काम करने के लिए कितनी कास्ट लगेगी, रफ बेसिस उसको बना लेते हैं और यूजिंग एन आइटरेटिव अप्रोच रिक्वायरमेंट्स आर एलिमिनेटेड कंबाइंड और मॉडिफाइड सो दैट द ईच पार्टी अचीव सम मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन। जहां निगोशिएशन में क्या काम हो रहे हैं, ये चार काम हम निगोशिएशन के स्टेज पे क्लाइंट के साथ बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि
इतने बिजनेस रिसोर्सेज में, मतलब लाइक वो कितना पे कर रहे हैं हमारे पास, या हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में रहते हुए हम इतना काम कर सकते हैं, ये चीज डिसाइड सबसे पहले की जाती है। सेकंड, हमने डिसाइड कर लिया कि ये रिक्वायरमेंट हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अब उन रिक्वायरमेंट को प्रियोरिटाइज कर लिया जाता है कौन सी कितनी इम्पोर्टेंट है, और या उन रिक्वायरमेंट के दरमियान जो कंफ्लिक्ट होते हैं, अगर एक रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने से दूसरी रिक्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट होता है तो उनको भी एनालाइज करके उनको भी रिजॉल्व कर लिया जाता है कि हम कौन सी रिक्वायरमेंट हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है और किसको किन इम्प्लीमेंट, मतलब इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट को पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बाकी को रिक्वायरमेंट हम डेटा बेसिस में डालेंगे। हर रिक्वायरमेंट के साथ कौन से रिस्क के माल में वो आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज कर लिए जाते हैं और गैस बना कर लिया जाता है कि एक रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम और कितनी कास्ट लगेगी। और रिक्वायरमेंट्स आर एलिमिनेटेड, कंबाइंड और मॉडिफाइड सो दैट द ईच पार्टी अचीव सम मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, कुछ रिक्वायरमेंट्स में कंफ्लिक्ट है, अब कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स में से मुझे कुछ रिक्वायरमेंट या तो हम उसे छोड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं। अब एक रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने से दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मार्केट में जल्दी जल्दी लेके आना है तो मैं कोई रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, तो वो किसी एक रिक्वायरमेंट को बिजनेस खत्म करना है, किसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट हम इस निगोशिएशन स्टेज पे बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं क्लाइंट के साथ। आर्ट ऑफ निगोशिएशन, रिकॉग्नाइज कंपटीशन। अच्छा, निगोशिएशन की स्टेज पे आप क्लाइंट के पास जाते हो, एक मीटिंग होती है जिसमें वो सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं, निगोशिएट किया जाता है, लेकिन माइंड में हमेशा रखें कि ये कोई कंपटीशन नहीं है। आपने क्लाइंट के साथ कंपटीशन नहीं करना, ना ही तो कंपटीशन हो रहा है कि क्लाइंट जीतेगा या आप जीतोगे या कोर्ट से आप कम पैसों के अंदर उससे आपने जितने पैसे लिए हैं उसमें कम फीचर उसे इम्प्लीमेंट करके दे रहे हो या वो आपसे कम पैसों में ज्यादा फीचर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो ये इस टाइप का कोई कंपटीशन नहीं होता। मैप आउट स्ट्रेटजी, हम एक स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं अपने काम को आगे लेके चलने के लिए। लिसन एक्टिवली, अच्छा लिसन एक्टिवली किसी भी मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ये पॉइंट है, किसी भी मीटिंग में स्पीकर होता है जो बोलने वाला पर्सन होता है उसे एक्टिवली लिसन करना चाहिए। अगर आप उसे सुन नहीं रहे तो ये एक डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट होता है कि आप उसको अगर सुन नहीं रहे, अवॉइड कर रहे हो तो ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज है। अगर आप यूजर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यूजर को इम्पोर्टेंस दें, यूजर को फील करवाएं कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप उसको अच्छी तरह से सुन के और इम्पोर्टेंस दे रहे हो उसके काम को, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो वो तभी आपको प्रोजेक्ट देगा। फोकस ऑन द अदर पार्टीज इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट पे फोकस करें, डोंट लेट इट गेट पर्सनल। किसी भी चीज़ पे अब उससे पर्सनल आपको होने की जरूरत नहीं है। आपने एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, उनका कुछ इंटरेस्ट होगी, आपके कुछ इंटरेस्ट होगी, आप अपने साइड उनके इंटरेस्ट को सुने, उनके इंटरेस्ट सुनने के बाद आप अपने साइड पे जो भी है पहले उनको अच्छी बातें बताएं। क्लाइंट को मीटिंग में आप बताएं कि हाँ हम ये वाले फीचर भी कर देंगे, ये भी फीचर कर देंगे, ये भी कर देंगे। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, उनको अच्छी बातें बताएं, वो बाद में आगे कह देंगे अच्छा ये सब तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन इन रिसोर्सेज में रहते हुए ये नहीं हो सकता। बी क्रिएटिव का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्ट्रेटजी लेके गए थे, आपने सोचा हम ये चीजें उन्हें इम्प्लीमेंट करके देते हैं लेकिन कुछ नहीं हो सकती। अब रन टाइम पे क्लाइंट ने क्या कहा, ये जो आपने नहीं कह रहे हैं ये तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमने ये हर सूरत में करवानी है, बाकी में सोचो। तो आप इतने क्रिएटिव हो कि उस जगह पे आप बैठ के डिसाइड कर सको कि ये अब हम कितने टाइम में कर सकेंगे और कितना है और इस पे हमारी कितनी एफर्ट लगेगी, रन टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो। बी रेडी टू कमिट, उस जगह पे आपको बस इतनी अथॉरिटी, मतलब एक्सपर्ट होंगे निगोशिएशन के लोग जो होंगे वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है इस चीज का, आपको जो एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस लोग होते हैं किसी भी कंपनी में वो निगोशिएट कर सकते हैं। तो आप इस मीटिंग में एक्सपर्ट लोगों को लेके जाते हो, वो उस जगह पे अगर मीट कर लेंगे ठीक है डन हो गया कि ये चीजें हो गई हम इम्प्लीमेंट करते हैं आपको इतने पैसे में और इतने टाइम में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस निगोशिएशन की फेज में ये सारी चीजें होती है कि आपने क्या किया है, यूजर के साथ आपने डिसाइड कर लिया है कि इतने रिसोर्सेज में हम ये चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। जब डिसाइड हो गया तो उसके बाद आपने उनको प्रायोरिटाइज कर लिया, प्रायोरिटाइज करके आपने उसके रिस्क एसोसिएट जो थे वो भी आइडेंटिफाई कर लिए, आपने एस्टिमेट बना लिया। तो ये सारी चीजें यूजर के साथ करने का एक मकसद ये भी है, एक तो यूजर क्लियर हो जाता है, यूजर को क्लियर हो जाती है चीजें और आप उससे एग्रीमेंट ले लेते हो। अगर इनकेस बाद में समटाइम्स ये होता है कि यूजर से रिक्वायरमेंट लेने के बाद आप उसको यूजर से निगोशिएट नहीं करवाते,
अब उसको क्लियर नहीं चीजें, वो अपने माइंड में कुछ और सोच के बैठा होता है कि ये इम्प्लीमेंट होना है, और जब आप फाइनल इम्प्लीमेंट करके आते हो तो वो चीज नहीं होती है। चलिए अच्छा, आप आपको जो भी इश्यूज हैं वो बता सकते हैं जहां तक थर्ड पॉइंट को क्लियर कीजिए ना, ये जो रिस्क एसोसिएटेड है विद ईच रिक्वायरमेंट एट आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज, रिस्क एसोसिएटेड ये इसको डिफाइन कीजिए, कैसे रिस्क आ सकता है रिक्वायरमेंट्स के साथ। इस सामने का है वहां पे प्रायर किया जा रहा है रिक्वायरमेंट्स को, हां ये भी कर लिया, रिस्क एसोसिएटेड कैसे आ रहा है एक रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट के साथ आ रहा है। नहीं नहीं, एक रिक्वायरमेंट किसी भी टाइप का रिस्क हो सकता है, एक रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल कंफ्लिक्ट है, दो रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट से अभी हमने कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं किए, दो रिक्वायरमेंट एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्टिंग है, एक रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने से दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं इम्प्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे निगोशिएशन फेज पे हम ये चीजें क्लियर करेंगे कि अगर हमें ये काम करना है तो हम दूसरा काम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। और किसी को प्रीवियस लेक्चर्स में भी अगर क्लास बेस्ड मॉडलिंग और फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग हमने देखा था, जिसके लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए हैं, अगर उनमें भी कोई इशू है तो अभी आप पूछ सकते हैं, और इसमें भी कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं इसको आज के लेक्चर को।